नाम बलराम कुमार मैं कक्षा 7 के स्टूडेंट हूँ। मैं आप सभी के सामने सर्वनाम का परिभाषा दिखाने जा रहा हूँ। ये सर्वनाम सर्वनाम के जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, वे, हम, वो इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का पढ़ते समय सुनने वाले और दूसरे के जिसके बात किए रह जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं बरेली जाता हूँ, अरे अंदर आ सकते हैं। निश्चित वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर दूर का वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे गांव में सबसे बूढ़ा वही है, किसी को रहने दीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यहाँ कोई आया था, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए की अंत में प्रश्न का बोध होते हैं उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जैसे यहाँ को कौन सो रहा था, तुम क्या लाए थे। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य के आए सब दूसरे शब्दों के से साथ बनते हैं उन्हें संबंधवाचक शब्द कहते हैं, जैसे जो तुम कहेगा मैं वही करूँगा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरता है। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करा जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं गुरु जी से स्वयं मिला था, मैं आपको आप ही आप जाएगा। थैंक यू।